हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल, आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे थे, जो अपनी यूनिट है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की, उस न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे। पिछले वाले वीडियो में फ्रेंड्स, मैंने आपसे एक न्यूमेरिकल, जो उस वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर 2 था, उसके सॉल्यूशन के बारे में पूछा था। और आप लोगों ने, कितनों ने किया पता नहीं मुझे, किस किस ने रिस्पॉन्स किया, क्या बताऊं, बहुत लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया है। आप किया करो, ठीक है? तो मैं इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करवा देता हूं, इसका आंसर भी क्या आएगा मैं बता देता हूं। बहुत से स्टूडेंट्स ने ना इसका आंसर तो ठीक बता दिया, वो तुक्के से या कैसे ही करके, आंसर ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन गलत था, क्योंकि उन्होंने ये फॉर्मूला देखा ही नहीं। मैंने इसीलिए छोड़ दिया था कि जुगाड़ करने में कितने माहिर हैं, कैसे आंसर मतलब आ ही गया था। वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ठीक है, आंसर अच्छा हो गया था, लेकिन जब मैंने सॉल्यूशन की बात करी, वो सॉल्यूशन इतना सही नहीं था। तो सबसे पहले ये एक नया फॉर्मूला है, आपको तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वो ये है, जो हमने पावर की बात करी थी, आपने पीछे की जो वीडियो थी उसमें यहाँ तक का फॉर्मूला ही पढ़ा था, है ना? डेंसिटी, एरिया और जो वेलोसिटी है उसकी क्यूब तक पढ़ा था। ये सीपी है, पावर कोफिशियंट है, ये आपके लिए नया है, ये भी ऐड होता है, ये पूरा फॉर्मूला बनता है, ठीक है? इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी थी और फिर आंसर आना था, ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ गए? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, पावर कोफिशियंट की वैल्यू क्या है, और तो आपको सब पता ही है। जैसे क्या क्या पता है मैं एक बात बताता हूँ, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपको पहली बात, आपको डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी है कि नहीं, ये डेंसिटी आपको दे रखी है ना, तो डेंसिटी आपके पास है। एरिया, एरिया आपको दे नहीं रखा, एरिया आपको इसमें कहीं नहीं दे रखा, आपको क्या दे रखा है, डायामीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, डायामीटर दे रखा है, यानी कि हिंदी में इसको व्यास बोलते हैं, डायामीटर दे रखा है। रेडियस यानी कि त्रिज्या आपको नहीं दे रखी। और आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज का अगर हम ये एरिया देखते हैं इसका, सर्कल का, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या होगा, ये जो है ना 10 दिया हुआ है, ये आर नहीं है, ये डायामीटर है। क्या है, डायामीटर है। और हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, आर चाहिए। तो ये मैं आपको एक सर्कल का बता देता हूँ, क्या रेडियस होता है और क्या डायामीटर होता है, आप देखना। अगर किसी सर्कल की बात करें तो ये जो सर्किल है ना जी, इसका ये दे रखा है हमें, ये होता है डायामीटर, ठीक है ना? ये कितना दे रखा है, 10, ठीक है? और हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, आर चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस हमेशा मान लो का हाफ होती है, ये है ना, ये इसकी रेडियस है, हाफ। हाफ क्या होता है डायमीटर का, रेडियस होती है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? आर की वैल्यू क्या होगी, 5 हो गई, 5 हो गई, क्योंकि डायमीटर होता है ना, जो व्यास होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो हमारे पास डायमीटर 10 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो गया, 5 हो गया। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। तो और एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? और पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई होता है 22/7 इनटू आर स्क्वायर। अब एरिया, आर आर हमारे पास कितना है, 5 है ना, तो यहाँ पे हम 5 वैल्यू रख देंगे, तो एरिया भी अपने पास आ गया, आ गया ना फ्रेंड्स? तो देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज आ गई अपने पास। यही तो था थोड़ा सा टेक्निकल बात, यहाँ पे ये आ गई, एरिया भी आपने लिख लिया, क्योंकि एरिया के इक्वल टू क्या लिखा आपने, पाई आर स्क्वायर, और आर आपने क्या कर दिया, आपको पता ही है कि डायमीटर का हाफ कर दिया, तो आर आ गया, यानी कि 5 का स्क्वायर करना है। V यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो स्पीड आपको दे रखे ना, ये देखो 10 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड है। और CP जो पावर ऑफ कोफिशियंट है वो क्या है, ये देखो, ये जो एफिशिएंसी है ना, ये है, तो पावर 40%, यानी कि उसकी पावर कितनी है, 40% है। तो पावर ऑफ कोफिशियंट कितना आ जाएगा, 40%, 40% हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 1 से 1 कट गया, यानी कि 0.4। तो CP की वैल्यू क्या आ गई, 0.4 आ गई कि नहीं आ गई, सीपी की वैल्यू क्या आ गई, 0.4 या 0.4 आ गई, क्योंकि यहाँ पे 40% है। ये एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी, ये इसी से क्या है, पावर ऑफ कोफिशिएंट है, इतनी पावर है, इतनी एफिशिएंसी है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 40% है। तो 40% को अगर वैल्यू में अपन बदलेंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 40 में 100, तो 40/100 आ गया ना फ्रेंड्स, बार बार बता रहा हूँ, 40/ कितना आ गया, 40/100 आ गया, तो 0 से 0 कट गया और 0.4 आ गया, तो CP की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4 आ गई। अब ये सारी वैल्यूज आपके पास हो गई, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी, ठीक है ना? तो चलो मैं इसको पुट कर रखा है, आपको दिखा देता हूँ, समझ में आ रहा है ना, टेंशन मत लेना।
तो पी का फॉर्मूला रख दिया, पावर इज इक्वल टू क्या था, हाफ, ये तो फॉर्मूले में ही था, डेंसिटी 1.29, यही है ना। अरे पी इज इक्वल टू हाफ, डेंसिटी कितनी है, इस फॉर्मूले को फिर दिखा देता हूँ रही, ठीक है, ये देखो ये फॉर्मूला रहा, ये है हाफ हो गया डेंसिटी एरिया, और इनकी सिर्फ वैल्यू रख रहा हूं मैं, क्या रख रहा हूँ, वैल्यूज रख रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गई ना बात। चलो वैल्यू रख देता हूँ, ये वैल्यूज रख रखे ना, हाफ डेंसिटी 1.29 और एरिया क्या है पाई आर स्क्वेयर, तो पाई कितना होता है 22/7 और आर कितना है 5, तो 5 का स्क्वेयर, और वी, वी क्या है स्पीड है, स्पीड कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 10, और 10 की वी का हमें क्यूब चाहिए, तो 10 का क्यूब, और इंटू सीपी, फॉर्मूले में सीपी भी इंटू में है, और सीपी की वैल्यू क्या है 0.4 × 0.4, तो ये वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, कितनी आ गई 20,271.4, ये किस में आ गई, वोट में आ गई, किस में आ गई, वोट में आ गई, और आंसर आप देखो किस में दिया हुआ है, आंसर आपको किलो वोट में दिया हुआ है, आंसर किस में दिया हुआ है किलो वोट में, और यहाँ पे अपने पास वोट में आ रहा है, और वोट में हमारे पास आंसर आया है 20,271.4, और इसी को अगर हम किलो वोट में बदलेंगे तो 1000 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और तो यानी कि 1, 2, 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, अगर 1000 का, यानी कि 20.27 इसका जो आंसर है वो आएगा 20.27, तो देखो कौन सा है 20.27, ये रहा 20.27, सॉरी 20.27, इसका आंसर क्या चला जाएगा बी, क्या चला जाएगा इसका आंसर चला जाएगा बी, क्या चला जाएगा बी आंसर चला जाएगा, समझ में आई क्या बात, आंसर क्या चला जाएगा बी, ठीक है, ऐसे करना था, ठीक है, ये नया फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर लें, ये लिख लेना, ऐसे एफिशिएंसी दे रखी हो तो सीपी भी आएगा, पीछे वाले में क्यों नहीं देती, क्योंकि वहां पे एक ही मान ली, वहां कोई एफिशिएंसी नहीं दे रखी थी, ये तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया। अब नए न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, यहाँ पे भी एक बहुत प्यारा सा अच्छा सा फॉर्मूला मिलेगा आपको, और इसको भी अच्छे से करना है। क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में, इफ द फ्रैक्शनल विंड वेलोसिटी ड्रॉप एट द रोटर ऑफ ए विंड मिल इज 0.1, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द विंड मिल इज, यानी कि सीपी पूछा है इसमें, और सीपी कब पूछा है, जब ये कह रहा है कि वेलोसिटी ड्रॉप हो जाए कितने से 0.1 से, तो जो सीपी है वो कितना होगा, आप क्वेश्चन को समझे, ये कह रहा है किसी जो विंड मिल है उसमें जो फ्रैक्शनल विंड वेलोसिटी है वो ड्रॉप हो गई, कम हो गई 0.1 से, तो वो सीपी जो होगा, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा, वो कितना होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, और वो फॉर्मूला है ये वाला सीपी, ये फॉर्मूला लिख लेना, सीपी इजकल टू 4a1 - a² ये फॉर्मूला है। अगर आपको सीपी निकालना हो और वेलोसिटी का ड्रॉप होता हुआ हो तो ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले से निकालना है, इस तरह का क्वेश्चन। और यहाँ ए क्या है जो वेलोसिटी में ड्रॉप हुआ है, वो ए क्या है जो आपको वेलोसिटी में ड्रॉप हुआ है वो वैल्यू ए की जगह रखनी है, और यहाँ ए का मतलब है जो वेलोसिटी में ड्रॉप हुआ है, कम हुआ है, और वो ड्रॉप कितना हुआ है 0.1 ही ड्रॉप हुआ है, तो ए की जगह हमें क्या रखना है 0.1 रखना है, और जैसे ही हम 0.1 रखेंगे सीपी की वैल्यू आ जाएगी और वो हमें टिक करना है, बात समझ रहे हो ना, बिल्कुल रिलैक्स होके चित्त को शांत करके सारी बातें अच्छे से करनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही है ना, तो न्यूमेरिकल है तो कुछ फॉर्मूलेस तो याद करने ही पड़ेंगे, तो कर लेना, ठीक है। तो सीधा न्यूमेरिकल बेस्ड, जो न्यूमेरिकल है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सीपी निकालें, सीपी इज इक्वल टू 4a, तो a की वैल्यू कितनी है 0.1, ड्रॉप इतना ही है ना, 0.1 ही है, 0.1, ठीक है, 1 - 0.1 का स्क्वायर, यही है, a की वैल्यू रखी है मैंने और कुछ नहीं करा फॉर्मूले में, देखो a की वैल्यू क्या है 0.1 है ना, वही मैंने वैल्यू रखी है 0.1 ही, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन निकाल लो, इनटू 0.1, 1 - 0.1 कितना हो गया 0.9, और 0.9 का स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। अब आगे cp निकालो, 4 × 0.1, ठीक है, और 0.9 × 0.9 का स्क्वायर क्या हो गया 0.81, ये हो गया। अब ठीक है, 0.1 को 4 से इंटू करोगे, इसको इससे इंटू करो तो क्या आ गया 0.4 आ गया, ठीक है, और इसको इंटू करो 0.81 से तो कितना आ गया देखो, यानी कि 0.81 इंटू में क्या है 0.4,
तो देख लो, 4 8 चौके 32, और 1 2 3, तीन जो अक्षर छोड़ के क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो लो ये आ गई, यानी कि 0.324 आंसर आ गया। अरे आ गया होगा, बिल्कुल फॉर्मूले में रखना है और उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो क्या आ गया, 0.324 इसका आंसर आ गया। समझ आ रहा है ना, प्लीज रिलैक्स रह के समझना। 0.324 ये आंसर आ गया, 0.324 ये आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल भी कोई टेंशन तो नहीं हो रही। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत सीधे हैं, एकदम से क्वेश्चन में सीधा उठ के आ जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोई भी टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपना जो न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, ए टाइडल पावर स्टेशन हैज बेसिन एरिया, एरिया दे रखा है 10,000 मीटर स्क्वेयर एंड वाटर टैप्ड हाइट है 2 मीटर अबो लो टाइड। इफ द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल फॉर एवरी टाइडल पीरियड इज, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा है कितना होगा। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये E इज इक्वल टू हाफ ए, ये है ए है एरिया, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को याद रखना, रिलैक्स होके इसको समझो क्या हुआ है। अगर ऐसे एनर्जी याद करनी हो तो हाफ ए क्या है, ए एच यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, एच द वर्टिकल टाइडल रेंज, जो हाइट है वो जो यहाँ पे दे रखी है ना, हाइट वो हाइट है। ए क्या है, ए इज द होरिजेंटल एरिया ऑफ बेसिन, जो होरिजेंटल एरिया दे रखा है बेसिन का वो है, और रो इज डेंसिटी ऑफ वॉटर, क्या है डेंसिटी ऑफ वॉटर, और जी क्या है ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो है। तो हमारे पास सारी वैल्यू है कि नहीं बताओ भाई, ए की वैल्यू दे रखी है, रो की वैल्यू दे रखी है, जी की वैल्यू हमें पता ही है, एच की वैल्यू दे रखी है। सीधा फॉर्मूले में रखोगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो मैं फॉर्मूले में रख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ई इजकल टू क्या है, हाफ, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, एरिया ये है ना 10,000, लो 10,000 एरिया हो गया, ठीक है। और जो रो है अपना, जो डेंसिटी है वो कितनी है, ये है 1025, ठीक है जी, ठीक है। जी कितना होता है आपको पता ही है, 9.8 होता है, ठीक है। उसके बाद एच कितना दे रखा है, हाइट कितनी दे रखी है, 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वेयर आ गया, ये लो, ठीक है ना। अगर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे ना फ्रेंड्स, तो वैल्यू आ जाएगी, वो जूल में आएगी, वो वैल्यू किस में आएगी, जूल में आएगी, किस में आएगी, जूल में। चलो इसका मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊं या कर लोगे, सीधा सा जूल में वैल्यू आ जाएगी, किस में आएगी, करके देख लेना ये कैलकुलेशन, इतना तो करोगे ना तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर कैलकुलेशन सारी मैं ही करूंगा तो आप क्या करोगे, है ना, वहां भी तो करनी है एग्जाम में, तो बस इसको कैलकुलेट करना है, काट बाट के कैलकुलेटर कैलकुलेट कर देना, ठीक है। अब जूल में आएगी वैल्यू, और लेकिन आपको ऑप्शन में देखो किस में दे रखा है, मेगा जूल में दे रखा है, ऑप्शन में भी ध्यान रखना है किस में दे रखा है, मेगा जूल में। अगर इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो जूल में आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने मेगा कहीं यूज ही नहीं करा, सारे मीटर में किलोग्राम में मीटर स्क्वेयर में इसी तरह से थे ना, तो यहाँ तो आंसर आएगा अपने पास जूल में, और आपको ऑप्शन में दे रखा है मेगा जूल में। तो उसको निकालने के लिए, जूल को मेगा जूल में परिवर्तित करने के लिए, जूल को मेगा जूल में चेंज करने के लिए, हम 10 to the power 6 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी ना, वो आएगी फ्रेंड्स जूल में, वो फ्रेंड्स किस में आएगी, जूल में आएगी, और आपको आंसर किस में, ऑप्शन मेगा जूल में दे रखे हैं, ठीक है ना। और आपके पास आया किस में, जूल में, और आपको चेंज किस में करना है, मेगा जूल में। तो मेगा जूल में चेंज करने के लिए जो जूल में वैल्यू आई है आपके पास, उसको आप डिवाइड कर दोगे 10 to the power 6 से, ठीक है ना। जो ये वैल्यू आएगी इसको 10 to the power 6 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, और आंसर आ जाएगा, और वो आंसर होगा लगभग 201 मेगा जूल, ठीक है, 201 मेगा जूल, ये याद रखना है। कैलकुलेशन कर लिया करो, ठीक है ना, आप आंसर भी नहीं देते, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है, ये यूजीसी ने पूछा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए सर्टेन टाइप ऑफ कोल इज बर्न्ड एट द रेट 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड, ये कह रहा है कोई एक सर्टेन, किसी निश्चित प्रकार का कोई कोयला जलाया जाता है, किस दर या रेट से जलाया जाता है, 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड जलाया जाता है, 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड जलाया जाता है। अगर सल्फर कंटेंट ऑफ द कोल इज 5%,
अगर जो वो जो कोयला जलाया जा रहा है उसमें सल्फर का कंटेंट अगर 5% है, ठीक है कोई बात नहीं, और 5% ऑफ सल्फर रिमेन इन द एस, और उसका 5% जो सल्फर है वो किस में चला जाता है, एस यानी कि राख में चला जाता है, ठीक है। हाउ मच सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड पर डे, ये कह रहा है पूरे दिन में उससे कितनी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। तो यहां तो देखो हमें पूछा है पर डे का, ठीक है, दे रखा है कोयला जलने का पर सेकेंड का, तो पहले हम ये निकाल लें कि पूरे दिन में कितना कोयला जलता है, निकाल लें क्या, ये देखो ये कह रहा है क्योंकि कोयला जलने से तो सल्फर निकलेगा और पर डे का पूछ रहा है हमें कि पर डे में कितना सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। यहां देखना, तो अगर हम यहां कैलकुलेशन कर लें कि पर डे में कितना सल्फर निकलेगा, पर डे में कितना सल्फर निकलेगा, अगर ये देख ले तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड निकाल लेंगे। तो पर डे में सल्फर कैसे निकालेंगे, जब हमें ये पता लग जाए कि पर डे में कोयला जलता कितना है और उस कोयला को जो जला है पर डे में उसमें कितनी सल्फर है, कितनी सल्फर बाहर आई, कितनी सल्फर राख में आई, ये सारी कैलकुलेशन कर लें, फिर अपना आंसर आ जाएगा ना, आ जाएगा। ये पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, अब चित्त को शांत करके समझना, मैं इसको पर डे में बदल रहा हूं, ठीक है। 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड जलता है, तो पर सेकेंड जलता है तो पर मिनट में कितना चलेगा इंटू 60, पर घंटे में कितना चलेगा इंटू 60, ठीक है, और पर डे कितना चलेगा, तो एक दिन में कितने घंटे हो गए 24 डे, एक दिन में 24 hours हो गए, 24 घंटे हो गए, तो ये एक दिन में इतना कोयला जलेगा कि नहीं जलेगा, अरे बता दो, ठीक है। ये कह रहा है कि एक सेकंड में 0.5 किलोग्राम जलता है, तो चलो एक सेकंड में 0.5 किलोग्राम जलता है, तो एक मिनट में कितना जलेगा इंटू 60 कर दिया, एक घंटे में 1 hour में कितना जलेगा इंटू फिर 60 कर दिया, और 1 day में कितना जलेगा, तो 1 day में होते हैं 24 hours, तो 24 hours का कर दिया, यानी कि एक दिन में इतना कोयला जलेगा, अरे जलेगा कि नहीं जलेगा, ठीक है जला दिया। अब कह रहा है कि इस ये जो कोयला जला है ना, इसका 5% इसमें क्या है, सल्फर है। देखो इसमें सल्फर कितनी है, इस कोयले में 5% सल्फर है, यानी कि जो टोटल ये कोयला जला है इसके कोयले में कितने परसेंट सल्फर है, 5%। तो मैं ये कर दूं कि इसके 5% में क्या है, सल्फर है, कर दूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सारा तो कोयला जला है वो सल्फर नहीं है ना, कितना सल्फर है, जो टोटल जला है उसका 5% क्या है, सल्फर है, यानी कि हमारे पास इतनी, क्योंकि हमें निकाल, हम सल्फर के पीछे क्यों पड़े हैं, क्योंकि हमें सल्फर डाइऑक्साइड निकालना है, तो पहले सल्फर निकाल लें फिर सल्फर डाइऑक्साइड निकाल लें। अगर इतना कोयला जलता है तो हमारे पास सल्फर कितनी है, 5%, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आगे पढ़ो, ये कह रहा है कि 5% सल्फर रिमेन इन एस, जो आपके पास ये सल्फर आई, ये इतनी सल्फर आई ना, ये सल्फर आई आपके पास इतनी, इस सल्फर का 5% किस में चला जाता है, राख में चला जाता है। हाँ मेरी बात समझना, जो राख में सल्फर चली गई है उसका तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनेगा ना, वो तो राख में चली गई, तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगी, उसी का तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये कह रहा है कि जो ये राख निकली है ना 5% इतने पूरे की, इसका 5% किस में चला जाता है, एस में चला जाता है, इसका राख किस में चला जाता है, एस में, यानी कि राख में चला जाता है। तो हमारे पास कितनी बच गई, 5% राख में चली गई, जितनी अपने पास क्या बनी थी, सल्फर बनी थी, उसकी 5% कहाँ चली गई, राख में चली गई। तो हमारे पास राख में चली गई वो तो कोई काम नहीं आएगी, मींस उसका कोई सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, तो 5% राख में जाने के पास आपके पास कितनी बच गई जिसका सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, 5% राख में जाएगी कितनी बच गई, 95% बच गई ना, जिसका आपको क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अरे बात समझ रहे हो ना, तो लो 95% आपका यूज होगा सल्फर डाइऑक्साइड में, बात समझ गए। ये लो, ये इतनी क्या आ गई, सल्फर आ गई पर डे, क्या आ गई, ये सल्फर आ गई पर डे, इतनी सल्फर आ गई पर डे। चलो इसको कैलकुलेट कर लो, ये मैंने पॉइंट हटा के नीचे 10 रख दिया, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो, 5 को काट दो, 5 × 2 = 10, ठीक है, 2 को काट दिया, यहाँ पे 30 × 30 = 60 हो गए, उसके बाद 1 2, ये 1 और ये 2, ठीक है। अब क्या है, 5 से यहाँ पे काट दो फिर आप, ये 20 कितना आ गया, 20 × 5 = 100 आ गया। तो अब ऊपर क्या बच गया देखना इस ध्यान से, ये अपने पास बच गया, 3, ठीक है, यहाँ पे 3 बच गया देखो, और ये यहाँ पे कितना बच गया, 6 बच गया,
ठीक है, 6 बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 24 बच गया, ठीक है, और यहाँ पे 95 बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 20 बच गया, यही बच गया ना। अरे यही बचा हुआ, देखो 0.5 को मैंने हटाया तो यहाँ पे 2 आया, तो 5 एक काट दिया, 2 10, तो 2 को काट दिया, यहाँ पे 30, 30 काट दिया, और यहाँ पे 100 था ना नीचे, तो 10 इस 30 वाला काट दिया, और 10 इस 6 वाला काट दिया, तो 3 6 18, तो ये बच गई, ये वैल्यू तो कटी गई थी, ये 3 बच गई और ये 6 बच गई, और ये 24 बच गई। अब ये 5 था और ये 100 था, तो मैंने 5 एकम 5 और 20 5 100, यहाँ 20 कर दिया, तो ये 5 भी गायब हो गया। अब क्या बच गया, 95/20, इतना बच गया। चलो ठीक है, आगे इसको सॉल्यूशन करो इसका। अब अगर बात करें इसको, तो 5 चौके 20, ठीक है, और 19 5 95 हो गया, 4 एकम 4 और 6 चौके 24, ये बच गई, यानी कि 6 3 18 इंटू 6 इंटू 19, ये बच गया आपके पास। अरे यही बच रहे ना, और इसके क्या निकाल रहे हो आप, पर डे में सल्फर निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, पर डे में सल्फर निकाल रहे हो, और आपसे पूछा क्या है, पर डे सल्फर डाइऑक्साइड, तो लो इसको करो इनटू 18 छिकी, कितना हो गया, 18 छिकी, 8 छिकी 48 का 8 4 6 एकम 4 और 4 10, 18 छिकी कितना हो गया, 108, 108 इंटू कितना आ गया, 19, कितना आ गया, 108 इंटू 19, ये क्या आ गई, पर डे सल्फर निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, एक इसी को सॉल्यूशन कर रहे हैं, 108 इंटू 19। देखो ये डिफिकल्ट सा हो जाता है थोड़ा, 108 से 19 को इंटू करना, तो आप क्या करो एग्जाम में, अगर आपके पास टाइम कम है, अगर टाइम है तो कोई नहीं मस्ती से करते रहो, लेकिन टाइम कम है तो क्या करोगे, इससे 20 से कर दो और 108 घटा दो, सीधी सी बात है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, 108 को 19 से इंटू करना है, या तो आप सीधा बैठ के करते रहो, आपके पास अगर टाइम कम है तो इसको किससे कर दो, 20 से कर दो, 20 से इसलिए क्योंकि 2 का आपको सीधा पता है, फिर 20 से कर दिया और 108 घटा दिया, तो सीधी सी बात है 19 से इंटू हो गया। अरे समझ में आ गया ना, नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ दो, 19 से सीधा कर लो, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको वैसे 20 से करके बता देता हूँ, जैसे 108 को 20 से करा तो सीधी सी बात है 2 से करना है, 108 कितना हो गया, ये 16 और ये 2, यानी कि 216 हो गया ना, अरे यही हो गया, तो 2100 क्या आ गया, 60 आ गया ना, 2160 आ गया, देखो 8 दूनी 16 का 6 1 10 दूनी 20 और 21, 2160 आ गया, तो इसमें क्या है, आप सीधे सीधे देख सकते हो कि 108 दूनी कितना हो गया, 216 हो गया, तो 216 के 0, अब इसमें से मैं क्या घटा दूं, एक क्या घटा दूं, एक इसमें से क्या घटा दूं, एक एक पॉइंट है वो घटा दूं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो इसमें से घटा दो, अरे इसमें से घटा दो 108 घटा दो, क्योंकि आपने 20 से करा है ना, तो क्या घटा दो 108 घटा दो, ये लो 108 घटा दिया 108, अरे समझ रहे हो ना, ठीक है, तो 108 घटा दो, तो 108 घटाओगे तो कितना बचेगा, अब घटा दो, अगर 160 में से 108 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 10 में से 8 गया, कितना बच गया, 2 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ 2, 2052 बच गए, वैसे सीधा ही कैलकुलेट कर सकते हो, अगर झमेला लग रहा है तो कोई बात नहीं, 108 से 19 का कर दो, 9 8 9 72, 9 एकम 9 9 8 72, 9 एकम 9 इंटू कितना गया, 801, यही आ गया, 2 8 7 15, 9 1 10 और ये 2052, ये 2052 यही तो होगा, अरे यही है ना, और ये किसकी मात्रा आ गई, 2052, ये मात्रा, ये क्वांटिटी आ गई सल्फर की, किसकी आ गई, सल्फर की, और वो भी पर डे, यानी कि पर डे सल्फर कितना निकलता है, 2052 पर डे सल्फर, पर डे सल्फर कितना निकल रहा है, 2052 किलोग्राम पर डे। अब ये क्वेश्चन यहां से आपसे ट्रिकी खेला, आप इसमें क्वेश्चन में जाओ कहीं 2052 आंसर भी है क्या, देखो नहीं है ना, क्योंकि आपने अभी क्या निकाला है, सल्फर निकाला है, कहीं है क्या 2052, कुछ महारथी है वो 1800 को कराएंगे कि एकदम पास की वैल्यू देनी होगी, ना ना ना, अरे एक्चुअली में इसने पूछा है सल्फर डाइऑक्साइड, और अभी तक 2052 आपने क्या निकाला है, अभी तक 2052 आपने सिर्फ सल्फर निकाला है, और हमें निकालना क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड निकालना है, और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है, और वो SO2 होता है, क्या होता है SO2, तो ये पूछा है कितना है, तो आपको एक बात तो पता ही होगी, अगर सल्फर का कोई एटॉमिक मास पूछे तो कितना होता है 32, कितना होता है 32 ही होता होगा, पता होगा 16 नंबर पे है,
एटॉमिक नंबर 16 हो गया और एटॉमिक मास कितना है इसका 32 है, और ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, क्योंकि 8 नंबर पोजीशन पे है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऐसे करोगे तो कितने नंबर पे आएगा 8 नंबर पे आ गया, 8 नंबर पे ऑक्सीजन आ गया, अगर एक उसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 है और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है 16 एक ऑक्सीजन का, और यहां पे ऑक्सीजन कितनी है 2 ऑक्सीजन है, तो यहां पे दोनों ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 32, अरे हो गया कि नहीं हो गया 32 बता दो, यानी कि SO2 का पूरे का अगर एटॉमिक मास हमें मॉलिक्यूलर मास इसका देखें तो 32 + 32 = 64 आ गया, अरे आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि जितना सल्फर निकल रहा है आप बताओ 32 सल्फर निकल रहा है तो ऑक्सीजन भी कितना निकल रहा है 32 निकल रहा है, आप बात समझ रहे हो ना, क्योंकि सल्फर किसके साथ पूछा है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड पूछा है, तो ये कह रहा है अगर 32 सल्फर निकल रहा है तो 32 किलोग्राम ही या 32 अगर 32 ग्राम सल्फर निकल रहा है तो 32 ग्राम ही ऑक्सीजन निकल रहा है, ये बात है ना सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 2052 सल्फर निकला, 2052 सल्फर निकला तो 2052 ही तो क्या निकलेगा ऑक्सीजन निकलेगा, तभी तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा ना, बात समझ गए, क्योंकि इस फॉर्मूले से पता लगा कि अगर 32 ग्राम सल्फर निकल रहा है तो 32 ग्राम ही क्या निकल रहा है ऑक्सीजन निकल रहा है, वो इसलिए क्योंकि एटॉमिक मास सल्फर का भी 32 होता है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन होती है तो 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 32 हो गया, तो ये कह रहा है जब एक सल्फर निकलता है तो 2 ऑक्सीजन को साथ लेके जाता है, यानी कि सल्फर की अगर 32 मास निकलता है तो ऑक्सीजन का भी 32 ही मास निकलता है, 32 ही मास निकलता है, और हमारे पास सल्फर का यहां पे दिया गया है कि कितना किलोग्राम पर डे निकलता है, 2052 पर डे निकलता है क्या सल्फर, तो बताइए उसी दिन उसके साथ ऑक्सीजन भी कितना निकलेगा 2052 ही तो निकलेगा ना, जब 32 के साथ 32 निकल रहा है यानी कि 1:1 में ही निकल रहा है तो, और हमें पूछा ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड कितना निकलेगा तो इसमें ही ऑक्सीजन की भी कितना किलोग्राम होगा 2052 किलोग्राम होगा, यानी कि इतना सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, अब जोड़ो 2 और 2 = 4, 5 और 5 = 10, ठीक है 1 और 2 और 4 4104 4104 किलोग्राम पर डे 4104 किलोग्राम पर डे क्या निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और हम जाते हैं ऑप्शन में 4104 किलोग्राम है क्या, हमें ये देखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स, आई थिंक आपको बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा, ये रहा 4104 किलोग्राम पर डे, ये इसका आंसर जाना था, आई होप कि फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल चित्त को शांत करके चीजों को समझना है, सब बहुत बढ़िया है, सब अच्छा होगा, और बिल्कुल आराम से बिल्कुल चित्त को शांत करके चीजों को समझें पढ़ें, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ आपको आता है, आप कॉन्फिडेंस रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।